अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, वेलकम टू द प्रोजेक्ट सेकंड हैंड मोबाइल। अगर तो आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो इसको जल्दी से सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि आज हम बात करने वाले हैं उन मोबाइल्स की या उन बेस्ट मोबाइल्स की जो कि 10,000 से 20,000 की रेंज में आते हैं, यानी 10,000 से 20,000 की रेंज के अंदर जो बेस्ट मोबाइल मार्केट में मौजूद हैं, जिनको आप बाय कर सकते हैं या जिनको आपको बाय करना चाहिए, हम आज उनकी बात करेंगे। तो सबसे पहले जो मोबाइल मेरी लिस्ट में शामिल है, हाँ एक और बात करता जाऊं कि मैंने इस रेंज के अंदर उन मोबाइल्स को शामिल किया है जो के मार्केट में अवेलेबल हैं। ये पिन पैक अवेलेबल हैं, डिब्बा पैक अवेलेबल हैं, वारंटी में होंगे और आपको आसानी से मिल जाएंगे। कुछ और मोबाइल भी थे लेकिन उनको मैंने इस लिस्ट से रिमूव कर दिया है ताकि आपको परेशानी ना हो, मतलब आप लेने जाएं और वो आपको मिले ना, माल शॉर्ट हो, मोबाइल मार्केट में शॉर्ट हो और वो आपको मिले ना। तो ये वो मोबाइल होंगे जो आपको इजीली मार्केट से मिल जाएंगे, ये पीटीए अप्रूव्ड होंगे और वारंटी में अवेलेबल होंगे। तो बात करते हैं सबसे पहले मोबाइल की। तो पहला मोबाइल जो कि इस रेंज में आता है वो आता है टेक्नो का स्पार्क 4। कुछ लोग इस कंपनी को पसंद नहीं करते लेकिन मैंने इसको इसलिए रखा है क्योंकि ये इस रेंज में जो स्पेसिफिकेशन देता है वो इस रेंज में कोई और कंपनी नहीं देती। तो ये वो ये सबसे सस्ता मोबाइल है जो आपको ट्रिपल कैमरा देता है, यानी कि जी हाँ, तीन कैमरे इसके बैक साइड पे मौजूद होते हैं। कुछ लोगों को डिजाइन वाइज अच्छा लगेगा क्योंकि अब एक कैमरे या दो कैमरे वाला जो ट्रेंड है वो खत्म हो चुका है। अब जो मोबाइल आ रहे हैं उनके पीछे या तीन कैमरे आ रहे हैं या चार कैमरे आ रहे हैं। तो ये सबसे सस्ता मोबाइल है जिसकी बैक साइड पे आपको तीन कैमरे मिलेंगे और ये इसके अलावा 3GB और 32GB का कॉम्बिनेशन आपको फ्राहम करता है। और कोई मोबाइल आपको इस रेंज में 3GB 32GB का कॉम्बिनेशन फ्राहम नहीं करता। ये मोबाइल आपको तकरीबन 15,000 तक मार्केट से मिल जाएगा। इसके अलावा इसकी जो बैटरी है वो 4000 mAh बैटरी है जो कि गेमिंग के लिए काफ़ी है। इसका थोड़ा सा जो नुकसान है समय ने इसका, जिस वजह से आपको बाय नहीं करना चाहिए, वो है इसका चिपसेट थोड़ा सा वीक है इसका। टेक्नो को इस मामले में थोड़ा सा अपने आप को अपग्रेड करना चाहिए कि उनको ऐसे चिपसेट लगाने चाहिए जो कि इस रेंज में लोगों को पसंद आए। चलिए हम इसके बाद सेकंड नंबर वाले मोबाइल की बात करते हैं। दूसरे नंबर पे मैंने जिस मोबाइल को रखा है वो है रेडमी का 8A। जी हाँ, रेडमी का 8A। ये सेकंड हैंड की प्राइस भी मैं तकरीबन अपने इस चैनल पे दे चुका हूँ। ये वो मोबाइल है जो मैं अपनी फैमिली को, अपने दोस्तों को आंखें बंद करके रिकमेंड कर सकता हूँ। ये पहले 17,000 तक आया था, अब ये आपको तकरीबन 15,000 से 16,000 रुपये तक मिल जाएगा। तो ये मेरे हिसाब से सबसे बेस्ट मोबाइल है इस रेंज के अंदर। इसकी थोड़ी सी बात कर ले तो इसका सबसे विनिंग जो फीचर है वो है इसका चिपसेट। जी हाँ, ये इस रेंज में इससे बाहर मोबाइल है जो आपको ऑक्टा कोर चिपसेट देता है। इसके अलावा जितने भी मोबाइल हैं वो आपको क्वाड कोर, अगर ऑक्टा कोर देंगे भी तो वो कम होगा, उसकी स्पीड कम होगी, वो इतना ज़्यादा फेवरेबल नहीं होगा। तो ये वाहद मोबाइल है जो आपको सबसे फेवरेबल चिपसेट देता है 15,000 से 16,000 की रेंज में। थोड़ा सा इसका जो फीचर मुझे ख़राब लगा है, जिसको रेडमी को इम्प्रूव करना चाहिए था, वो है इसका कैमरा सेटअप। जी हाँ, इसके पीछे सिर्फ एक कैमरा है। अब वही पहले बात कर चुका हूँ कि जो ट्रेंड चल रहा है वो तीन चार कैमरों का चल रहा है, लेकिन इसके पीछे सिर्फ एक कैमरा मौजूद है। इसको अगर कोई रिजेक्ट करेगा तो इसके डिज़ाइन की वजह से करेगा, वरना ये सबसे कमाल फीचर्स के साथ आने वाला मोबाइल है। रिजल्ट इसका बुरा नहीं है कैमरे के साथ, लेकिन ज़रा डिज़ाइन वाइज काफ़ी पीछे रह जाता है क्योंकि आप तीन कैमरे और चार कैमरे का ट्रेंड जो है वो चाहे। इसके अलावा ये 2GB 32GB का आपको कॉम्बिनेशन फ्राहम कर सकता है। इसके बाद तीसरे नंबर पे
बात करते हैं मोबाइल की, तीसरे नंबर पे मैंने उस मोबाइल को रखा है क्योंकि मोस्टली मार्केट में जाएं तो मोस्टली लोग टेक्नो, इन्फिनिक्स, ओप्पो, वीवो, हवावे को ये कह के रिजेक्ट कर देते हैं कि ये तो चाइना का माल है, ये तो चाइना की कंपनीज हैं, जिनको इतना ज्यादा मार्केट के बारे में नहीं पता। मतलब ये समझ ले कि हमारे जो बड़े हैं उन्होंने मोस्टली नोकिया और सैमसंग को ही इस रेंज के अंदर देखा है, तो उनको अगर चाहिए तो सैमसंग का मोबाइल चाहिए, उनको चाहिए तो नोकिया का मोबाइल चाहिए। वैसे मैं पर्सनली अपने दोस्तों को, अपनी फैमिली को इस रेंज के अंदर सैमसंग और नोकिया का मोबाइल बिल्कुल भी रेफर नहीं करूंगा, क्योंकि ये दोनों वो कंपनी हैं जो इस रेंज के अंदर तकरीबन वो माल दे रही हैं जो दूसरों से बहुत पीछे है। इन्फिनिक्स से बहुत पीछे है, टेक्नो से बहुत पीछे। हाँ, लॉन्ग टर्म चलने के लिए ये मोबाइल इनफ है, तो हमारे बड़ों को चाहिए भी ये कि एक दफा मोबाइल लेना है, 3-4 साल तक हमने इसको यूज करना है, हमने सेल नहीं करना। तो इसलिए मैंने इस मोबाइल को इस नंबर पे रखा है और ये है नोकिया 2.3। जी हाँ, नोकिया 2.3। इसके अंदर भी जो कमी है वो इसका चिपसेट है, ये भी आपको 2GB 32GB का कॉम्बिनेशन फ्राहम करता है। बैक साइड डिस्प्ले ड्यूअल कैमरा है, लेकिन जो इसकी कमी है वो इसका चिपसेट है। लेकिन अगर आपने, वही मैंने बात की कि अगर आपने लॉन्ग टर्म के लिए लेके देना है किसी को, अपने घर में लेके देना है किसी को, अपने फादर को, ठीक है ना, ग्रैंडफादर को, या जो भी आपने जिसको लेके जाना है, क्योंकि जिनको अभी स्पेशलाइजेशन का नहीं पता लेकिन उन्होंने मोबाइल यूज करना है कॉल सुनने के लिए, कॉल कट करने के लिए, गिर जाए तो बच जाए, टूटे ना, तो ये नोकिया 2.3 आप उनको लेके दे सकते हैं। जी हाँ, और चौथे नंबर पे मैंने जिस मोबाइल को रखा है वो है इन्फिनिक्स की तरफ से। इससे पहले मैं आपको मोबाइल का नाम बताने से पहले ये बताता जाऊं, इससे पहले जो पंच होल डिजाइन के साथ मोबाइल आए थे वो 1 लाख से नीचे कोई भी नहीं था। मेरे ख्याल से आना 20 आया था लेटेस्ट, और उसकी प्राइस जो है वो 1 लाख रुपया थी। इसके अलावा पंच होल डिस्प्ले के साथ, पंच होल कैमरा के साथ कोई भी सेट मार्केट में अवेलेबल नहीं था जो आपको इस रेंज में मिले। तो 20,000 से कम की रेंज में ये मोबाइल मिल जाएगा आपको, और ये है टेक्नो कैमन 12A। इन्फिनिक्स का भी एक आता है, और उससे बेहतर है कि आप टेक्नो का बाय कर लें, टेक्नो कैमन 12A। ये 4GB 64GB का कॉम्बिनेशन आपको फ्राहम करता है, पंच होल डिस्प्ले के साथ आता है, तो बैक साइड भी काफ़ी गुड लुकिंग है, डिज़ाइन भी काफ़ी अच्छा है, तो ये मोबाइल भी आप आंखें बंद करके ले सकते हैं। और पांचवें नंबर पर मैंने जिस मोबाइल को रखा है वो अब तक का विनर है, Redmi 8A। इसलिए कहा था क्योंकि ये थोड़ा सा आउट हो गया मार्केट से, मतलब पुराना है, लेकिन अब जो लेटेस्ट रिलीज हुआ है वो ओप्पो की सब ब्रांड Realme की तरफ से आया है, और वो है Realme C3। जी हाँ, Realme C3। ये उन लोगों के लिए बेस्ट होगा जो गेमिंग के शौकीन है। 20,000 की रेंज में इससे अच्छा गेमिंग सेट आपको नहीं मिलेगा। इसकी कमाल का फीचर इसकी चिपसेट है। जी हाँ, इसके अंदर G70 का प्रोसेसर लगा हुआ है, चिपसेट लगा हुआ है। इसके अलावा आपको 20,000 की रेंज में इससे अच्छा चिपसेट नहीं मिलेगा गेमिंग के लिए। तो रिजल्ट थोड़ा सा इसका वीक है, लेकिन गेमिंग मोबाइल ये सबसे बेस्ट है। तो अगर आप गेमिंग के लिए कोई मोबाइल ढूंढ रहे हैं इस रेंज के अंदर, तो आपको Realme C3 जो है ना वो आंखें बंद करके लेना चाहिए। जी हाँ, ये कुछ मोबाइल थे जो मैं आपको रिकमेंड करूंगा। अगर आपका बजट 10,000 से 20,000 तक है तो आप इन मोबाइल को मार्केट से बाय कर सकते हैं, क्योंकि ये मार्केट में इजीली अवेलेबल होंगे। मेरे दोस्त अगर बाय करना चाहें तो वो कंसीडर कर सकते हैं Redmi 8A, या फिर जो लास्ट वन है Realme C3। अगर तो आप लॉन्ग बैटरी टाइमिंग चाहते हैं, जरा मतलब के स्ट्रेंथ वाला सेट चाहते हैं, तो आप Redmi 8A को कंसिडर करें। लेकिन अगर आप गेमिंग करते हैं, अब गेमिंग के शौकीन हैं, तो आप Realme C3 को आंखें बंद करके ले लें, क्योंकि 20,000 के बजाय 25,000 की रेंज में भी चले जाएं तो आपको इससे अच्छा गेमिंग मोबाइल नहीं मिलेगा। थैंक यू वेरी मच। अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो इसको जल्दी से सब्सक्राइब कर लें, ताकि इस तरह की वीडियो आपके पास पहुंच सके।